JEE means the biggest secret. यार हम सबको लगता है कि JEE mains का पेपर सिर्फ हमारी सब्जेक्ट नॉलेज चेक करता है ना? तभी हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज की, टेक्निक्स की, ये बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये चैप्टर किया कि नहीं किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखे कि नहीं, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करे कि नहीं. बट JEE मीन्स टेस्ट यू फॉर योर सब्जेक्ट नॉलेज, बट मच मोर देन दैट, टेस्ट यू फॉर योर टेम्परमेंट. आप पेपर को अप्रोच कैसे करते हो इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. यार बचपन से हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखाता है कि क्वेश्चन पेपर देख के 100% क्वेश्चंस को टारगेट करना है ना? कि मतलब पूरा फुल एम है हमारा कि हमने 100 मार्क्स लाने हैं इसमें. तभी तो जब आप लोग शायद पेपर दे के घर आते हो, आपसे पूछा जाता है, आपके पेरेंट्स पूछते हैं, बेटा पेपर पूरा किया कि नहीं, कैसा हुआ, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, यार 10 मार्क्स का छोड़ दिया, 15 मार्क्स का छोड़ दिया. क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. हम बच्चों से आज टीचर्स पूछते हैं कि आप में से कितने बच्चे 100% मार्क्स लाओगे. हमसे मैनेजमेंट पूछती है कि आपके कितने बच्चे 100 मार्क्स लाने वाले हैं. तो एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ इस 100 को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, आपकी स्कूल की रेटिंग्स तक, कितने 100 आए बोर्ड के पेपर में या स्कूल के पेपर में, उस पर डिपेंड करती है. लेकिन JEE मीन्स इज अ डिफरेंट गेम. इस गेम के रूल्स अलग हैं. आप ऐसे मान लो अगर CBSE आपका क्रिकेट है तो JEE मेंस शायद चेस है. एंड एक गेम के रूल्स आप दूसरी गेम पे नहीं लगा सकते. तो यार होता क्या है जब हम JEE मेंस का पेपर देखते हैं. सपोज मैथ का पेपर देखा, 25 क्वेश्चंस आए हैं. हमारी प्रोग्रामिंग, हमारा माइंडसेट ऐसा ही है. हम ऐसे ही ट्रेन हुए हैं कि हमने तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो शुरू हो जाते हैं पहले क्वेश्चन से. एंड ऐसे ही होता है, ऐसे ही आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट. ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट मीन्स व्हेन डू यू पैनिक. तो यार ये पैनिक अच्छे अच्छे बच्चों को करते हुए देखा है. होता क्या है, आपने किसी क्वेश्चंस, आपने ऐसे रैंडम क्वेश्चंस की सिलेक्शन कर ली जो शायद मुश्किल थे, आपके लिए नहीं थे, और अटक गए वहाँ पे. दूसरा, शायद आपने एक ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लिया अपना पेपर जिसमें जो शायद उस साल टफ आया था, या फिर आपका आता हुआ क्वेश्चन में कहीं उलझ गए, कहीं फंस गए, या आपके आते हुए क्वेश्चन में कहीं अटक गए, या लेट्स से पूरा सॉल्व कर लिया लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्व करते करते आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचे जहाँ आंसर आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x. हमने सिंपली कह दिया x इज इक्वल टू 2, लेकिन जब आपने ऑप्शंस देखी तो आंसर कुछ ऐसे थे, राइट? अब आप इसको एक बार चेक करोगे, दो बार चेक करोगे, आपको लगेगा यार आंसर तो आ ही नहीं रहा, लेकिन ये क्वेश्चन तो मुझे पता है. शायद आप ये नहीं देख रहे इस पैनिक सिचुएशन में कि आपने दो एक्स को कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ से एक्चुअली एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है जो ऑप्शन में भी है. तो आती हुई चीज़ को इस पैनिक सिचुएशन ने, इस बॉइलिंग पॉइंट ने आपके सब खराब कर दिया. दूसरी बात, पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, या जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में होते हो, आपको लगता है आपके आसपास के बच्चे तो धड़ाधड़ पेपर को करने लगे हुए हैं. आपको क्या पता यार वो पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं. सो देर आर मैनी मोर थिंग्स जो आपको आपकी बॉइलिंग पॉइंट की तरफ ले जाती है, जिसमें आप सिचुएशन में पैनिक करके, और अच्छा ये पैनिक करके अगर आपने वो 5-10 मिनट भी लूज कर दिए, राइट? सो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू डियर. नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, आप प्रिपरेशन, सेम प्रिपरेशन के साथ एक बहुत हैसल होकर पेपर दे रहे हो, ठीक है,
एंड दूसरा सेम प्रिपरेशन के साथ आप बहुत ही काम माइंड से पेपर दे रहे हो, आपका आउटपुट किस में बेटर निकलने वाला है? तो द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी, द बिगेस्ट सीक्रेट लाइज इन अटेम्प्टिंग द पेपर इन विद अ वेरी कूल हेड, विद द माइंड सेट कि मुझे 25 क्वेश्चन टारगेट नहीं करने, मुझे सबसे पहले पेपर में वो 10 ही सही, वो 15 ही सही ऐसे क्वेश्चंस टारगेट करने हैं जिसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस, ऐसा भी हो सकता है यार कि जब आप पेपर खोलो पहले के 10 क्वेश्चंस आपको नहीं आते, यू डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट देम, क्या होगा? मोटिवेशन लेवल गोज डाउन? नहीं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के स्कैन करो, हो सकता है पहले 10 नहीं आते लेकिन बाकी के 15 आते हैं। तो रूल ऑफ द गेम यहाँ ये नहीं है कि मुझे 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, रूल ऑफ द गेम यहाँ ये है कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम 25 क्वेश्चंस में से मुझे 17 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, तो मेरा सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। एंड ऐसे ही आपने क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ढूंढने हैं और उनको पकड़ के सबसे पहले करना है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, आपने अपने हर सेक्शन से शुरू के लेट्स से 2 घंटे में भी 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस आपने उठाते हुए भी लेट्स से मैक्सिमम आपने 50 क्वेश्चंस कर दिए आउट ऑफ 75 अपने 2-2.5 घंटे में, दैट इज ऑल्सो गुड। यार हम लोग भूल जाते हैं कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है जिसके लिए हमारा माइंड प्रोग्राम्ड ही नहीं है, तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं, भले फिर हम रैंडम गेसिंग क्यों ना कर दें। एंड रैंडम गेसिंग कुड बी इंजूरियस टू योर पेपर, यू नो दैट। सो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन एंड क्वेश्चन रिजेक्शन। तो पेपर को देखते ही ऐसे क्वेश्चंस जो आपने शायद टॉपिक्स छोड़ दिए थे या जो लग रहा है कि ट्रिकी हैं, आगे जाकर फंस जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप आउट राइटली रिजेक्ट कर दो। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जो आसान है लेकिन शायद टाइम ज़्यादा लेंगे, उनको फॉर द टाइम बीइंग होल्ड पे डाल दो, जब सेकंड राउंड में पेपर को करने देखने आओगे तब उन्हें कर लेना। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज सिलेक्शन, एंड ये सिर्फ मैथ में नहीं, ये आपको हर सब्जेक्ट में करना है। यार मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है जेई मेन लाइव पेपर सॉल्विंग। अब आइडिया यहाँ पे इस सीरीज को मार्केट करने का नहीं है, समझो माइंडसेट को। इसमें व्हेन आई से स्कोर मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम, मतलब मैं आपके साथ आपका वो टेम्परमेंट बिल्ड करना चाहती हूँ कि जब आप क्वेश्चन पेपर को देखो तो आप देखोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं, आपको क्वेश्चंस वो उठाने हैं जो सबसे जल्दी और सबसे कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी यूनिक, क्योंकि यार हर बच्चे का एक अपना हर किसी की प्रिपरेशन लेवल अलग होता है। हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे बहुत अच्छे से आता है लेकिन शायद किसी और बच्चे को उतने अच्छे से नहीं आता, तो कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो वो ऑफ कोर्स इज योर चॉइस, बट दिस सीरीज हेल्प्स यू बिल्ड दैट माइंडसेट। आपका जो बचपन से ट्रेनिंग हुई हुई है उस माइंडसेट को, उस मिथ को ब्रेक करने की कोशिश करता है कि हमने 100% पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसके साथ ही जब मैं आपको दिखाती हूँ, आपके साथ करती हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वाली सीरीज, तो यार इसका आइडिया सिर्फ ये है कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख पाओ जो आपके लिए पेपर में गो गेटर्स हों। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब मेरे साथ लेट्स से बाइनोमियल के या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के ऐसे क्वेश्चंस करे जो बहुत साल से रिपीट हो रहे हैं, एंड आपको इन 25 क्वेश्चंस में से ऐसे 2-3 क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं जो आपको लगता है हाँ यार ऐसा सिमिलर पैटर्न तो हमने बिल्कुल देखा है और करा हुआ है, सो दिस एब्सोल्युटली
absolutely boosts your confidence and takes you to another level, right? So make sure you are checking out this series. अब आप बोलोगे, मैम प्रॉब्लम तो बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज सिंपल, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस टू ट्रेन योर माइंड इन अ वे कि मेरा एम पेपर में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 100% क्वेश्चंस करने हैं. मेरा एम पेपर में होना चाहिए कि जैसी मेरी प्रिपरेशन है उसमें से मुझे अपना 100% आउटपुट देना है, कि मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो 100% करेक्ट होने चाहिए. सो गो विद दैट माइंडसेट. एंड ये माइंडसेट कैसे बनेगा? जितने ज़्यादा पेपर्स आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा खुद को टाइम करके ये पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, दैट इज़ वाई पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक पेपर्स को करना, एंड सिर्फ ऐसे नहीं कि कैजुअली बैठ के करना, उस अपने आप को उस टाइम फ्रेम में डाल के जहाँ आप रियल में क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो और मैक्सिमम स्कोर निकाल रहे हो मिनिमम टाइम में, दैट इज़ द होल आइडिया. सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि इफ़ दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू. ऑल्सो इफ़ यू इंजॉयड दिस, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. Share this video with all the people around you. Subscribe karo Vedantu Maths ko for more such videos. I will see you very, very soon. Till then, thank you so much and bye-bye.